दोस्तों आज हम बात करेंगे GW 451 गेहूँ की। जैसे पानी कितने दिए, खाद कितना डाला और कौन सा टॉनिक का स्प्रे किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टिप्स एंड मंडी भाव में। पहले कुछ इस गेहूँ की विशेषता जान लेते हैं। जैसे कि हाइट कम होने के कारण मौसम खराब होने, हवा चलने से ये आड़ी नहीं गिरती और इसके दाने काफ़ी वजनदार होते हैं 322 के अपेक्षा। GW 451 गेहूं का पकने का समय भी दूसरे गेहूं के अपेक्षा काफ़ी कम है। ये गेहूं लगभग 115-110 दिन में पककर तैयार हो जाता है। दोस्तों GW 451 गेहूं की बुआई मैंने 15 नवंबर को की थी। इसमें मैंने 1 क्विंटल गेहूं में 1.5 बोरी DAP मिलाया था। अब बात करते हैं पानी की। तो दोस्तों मैंने पहला पानी 23 दिन के गेहूं होने पर करवाया था और 1 एकड़ में 1.5 बोरी यूरिया डलवाया। पानी होने के कुछ दिनों बाद मैंने GW 451 गेहूं में BIM 95 और एग्रोमिन गोल्ड टॉनिक का स्प्रे किया। इन दोनों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। गेहूं में कलियों की संख्या भी बढ़ी और साथ में पौधों ने अच्छा ग्रुप विकास किया। अब बात करते हैं दूसरे पानी की। तो दूसरा पानी पहले पानी के 30 दिन बाद किया, यानी 45 दिन के गेहूं होने पर दूसरा पानी किया, साथ में 1 बोरी यूरिया भी डलवाया। अब बात करते हैं तीसरे पानी की। हमारा GW 451 गेहूं लगभग 90 दिनों का हो चुका है। गेहूं की सारी बाले निकलकर कंप्लीट हैं। अब हमारा तीसरा और आखिरी पानी चल रहा है। देखने में GW 451 गेहूं अभी तक अच्छा दिख रहा है। उम्मीद है 20 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दे सकता है। जब गेहूं GW 451 कटेगा तब आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे कि कितना उत्पादन दिया 451 गेहूं ने। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।